बचा पोड़ा को पालती मोर तमर मताल बटे सोपी गालो जे पाँच बिगे जुमी चिलो सोपी गालो जे बाटी गुटी सोपी गालो चोलू बाटी ते। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वालों के लिए गरीबी से संघर्ष आज भी एक चुनौती है। देश की इस आबादी को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम इन्हें इस अभिशाप से उबारने का कोई टिकाऊ समाधान नहीं दे पाए। समस्या ये है कि गरीबी के अनेक पहलू हैं और सरकारी योजनाओं से मिलने वाली एकमुश्त सहायता इन्हें गरीबी से छुटकारा नहीं दिला पाती। गरीबी से मुक्ति के कुछ सफल कार्यक्रमों ने निश्चित रूप से सिद्ध किया है कि जब साधनहीन संगठित होकर प्रयास करते हैं और निरंतर 7-8 वर्षों तक सरकारी योजनाओं से सहायता प्राप्त होती है, तभी टिकाऊ आजीविका विकसित होती है और तभी वे गरीबी से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 2011 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका ने ग्रामीण आबादी को निर्धनता से उबारने के संघर्ष में एक नया आयाम जोड़ा है। गरीबी से छुटकारा दिलाने में आजीविका का एक अनूठा और स्पष्ट दृष्टिकोण है। परिवार को गरीबी से छुटकारा दिलाने में महिलाओं की मुख्य भूमिका पर जोर। गरीबी से जुड़े अनेक पहलुओं की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक साथ अनेक सहायताओं की योजना, सभी को साथ लेकर चलना, सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुँच, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य, गरीबों में स्वयं सहायता की भावना, सरकार और साधनहीन ग्रामीण आबादी के बीच एक नया संबंध। सरकार एक दाता या लागूकर्ता एजेंसी नहीं बल्कि सुविधा दाता और साझीदार। आजीविका का विश्वास है कि गरीबी झेल रहे लोगों में स्वाभाविक अंतर्निहित क्षमताएं हैं और जब तक इन क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जाता, इन परिवारों को गरीबी से पूरा छुटकारा दिलाना संभव नहीं है। आजीविका गरीब ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर रही है ताकि वे अपने स्वयं सहायता समूह और उनके संघ बनाकर प्रगति कर सकें। आजीविका इस प्रक्रिया द्वारा सामूहिक प्रयासों के लिए मंच देने का काम कर रही है। ये मंच प्रत्येक सदस्य के योगदान और आपसी सहयोग पर आधारित है। 12 दीदी मिल करके हम लोग एक समूह बना लिए। 10 रुपए बचत करते हैं, 10 रुपए बचत कर करके 12 दीदी मिल करके हम लोग निर्णय लेते हैं। मिशन का उद्देश्य निर्धन वर्ग के लोगों को संगठित करना, उनके लिए साधन उपलब्ध करवाना तथा उन्हें अपनी योग्यता की पहचान करवाना है, पूंजी हासिल करने की राह को आसान बनाना तथा अपनी जरूरतों के अनुसार ढांचा विकसित करने में क्षमता प्रदान करना भी इसका कार्य है। ये समाज के निर्धन वर्ग को उनकी क्षमता का लाभ दिलाने के लिए उन्हीं के संगठनों के माध्यम से अवसर प्रदान करती है। आजीविका को महिलाओं द्वारा गरीब महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रहे सामाजिक आंदोलन के रूप में देखना चाहिए। इसका लक्ष्य एक ऐसा सामाजिक मंच बनाना है जहां महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित हो। जो जोश खरोश और जो जज्बा उन औरतों में है और फिर जो अंडरस्टैंडिंग वो दिखाती हैं सोशल इशूज़ पर और इस ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक जो उनको पूरी पूरा फहम है, पूरा सोच है कि उन्हें किस तरह इसको एसिमिलेट किया है सारे प्रोसेस को, तो वो देखने के लायक है। तो ये आदमी को कभी अंदाज़ा नहीं होता है कि इन औरतों में इतना पोटेंशियल है, इतनी कुव्वत है इनमें। तो ये कुव्वत तभी इनमें आ गई जब हमने इनको एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्लेटफार्म। आजीविका का मानना है कि गरीबी में जी रहे लोग स्वयं अपने को संगठित नहीं कर सकते, इसके लिए सामाजिक तौर पर इन्हें एकजुट करने की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्यक्रम के लिए सामाजिक संगठन के नेतृत्व में विभिन्न चरणों में लागू होने वाली एक व्यवस्था बनाई गई है जिसे रिसोर्स ब्लॉक स्ट्रैटेजी कहते हैं। इस रणनीति के तहत किसी भी राज्य में 10% चुनिंदा रिसोर्स ब्लॉक से शुरुआत की जाती है। रिसोर्स ब्लॉक्स वो इकाई है जिसमें अपने समूह की सहायता से गरीबी से सफलतापूर्वक उबर चुकी महिलाएं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करती हुई अन्य गरीब महिलाओं को अपने अनुभव बताती हैं। इससे सामाजिक बदलाव की लहर चल पड़ती है। నాకు అప్పుడు సంఘాలలో జయించగలిగినందుకే నేను ఈ సంఘాలలో వచ్చి నాలెక్కటి పేదవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు, పేదరికాన్ని దాటాలా, నేను పేదరికాన్ని జయించాను, వీళ్ళు కూడా పేదరికాన్ని జయించాలని నేను వీళ్ళకి స్టేట్ సిఆర్పిగా వచ్చి సంఘాలుగా చేయనికి వచ్చాను। రిసోర్స్ బ్లాక్ స్ట్రాటజీ మే సమూహ కి కేవల్ సర్వశ్రేష్ఠ మహిళాయే హి అధ్యాపక్ యా ప్రశిక్షక్ బన్తీ హై।
आजीविका के तहत गरीब महिलाएं अपने धन के उपयुक्त लेन देन की क्षमता तथा समूह के रूप में ऋण प्राप्त करने की योग्यता प्रदर्शित करती हैं। प्रत्येक समूह पंच सूत्र यानी पांच मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। ये पंच सूत्र हैं: साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक लेन देन, नियमित भुगतान और सही हिसाब किताब। कार्यक्रम द्वारा सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है। आरएफ एक चक्र निधि है जो 3 महीना पुराने समूह है उनको दिया जाता है जो 5 सूत्र का पालन भी करता हो। मिशन द्वारा गरीबों के लिए काम करने वाले संस्थानों को पूंजी तथा संसाधन के रूप में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रदान किया जाता है। सीआईएफ का उद्देश्य है कि जो हम लोग का आरएफ और अनिवार्य बचत से हम लोग को बड़ी जरूरतें पूरी नहीं होती है, जैसे कि हम लोग को कुछ बकरी पालन, मुर्गी पालन, खेती बाड़ी या कुछ भी अपना बड़ा कार्य करने का आजीविका बढ़ाने के लिए हम लोग को सीआईएफ दिया जाता है। कर्ज प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करने वाले समूहों को ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों से जोड़ा जाता है और इस प्रकार उन्हें निरंतर वित्तीय सहायता मिलती रहती है। धन के सभी संभव स्रोतों तक समूह की पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मिशन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। धनराशि के कुशल उपयोग द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार, विविधीकरण तथा इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करना भी मिशन के अन्य अहम कार्य हैं। जब ये समूह अपनी जमा पूंजी के संचालन में कुशल हो जाते हैं तो इन्हें अधिक कर्ज के लिए बैंकों के साथ जोड़ा जाता है। इन ग्रामीण संगठनों द्वारा गांव स्तर पर गरीबों को संगठित रूप से काम करने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। ये संघ अपने सदस्यों के हित में उनके अधिकारों की आवाज उठाने से लेकर उनके हुनर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही ये अपने सदस्य समूहों के कार्यकलापों पर निगाह रखते हैं और इनकी क्षमता विकास का कार्य भी करते हैं। ये संगठन निर्धन वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के एकीकरण और बेहतर प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करते हैं। ये समूह हमारी, ये समूह हमारी, अच्छा हो बुरा हो हम सबकी जिम्मेदारी। आजीविका के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक समर्पित टीम कार्य कर रही है। टीम द्वारा निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है जिससे समूह तथा उनके संघ अपने सदस्यों तक प्रभावी सहायता पहुंचा सकें। इसके लिए सभी आवश्यक स्तरों पर संपर्क बनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में आजीविका को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक अलग मिशन कार्य कर रहा है। राज्य मिशन ने अपने राज्य की जरूरत के अनुसार कार्य योजना विकसित करके गरीब ग्रामीण परिवारों को उनकी अपनी सामाजिक क्षमता की सहायता से लाभ पहुँचाया है। We have learned that community to community learning is more effective than the archaic way of staff taking the lead in this SHG movement. So we have generated our own social capital. We call them our own active women or Sakriya Mahilayan. And now they have come to such a stage that we are more confident that they will be sent to the other blocks and they will be forming SHGs. प्रत्येक रिसोर्स ब्लॉक 5 वर्ष में 20 ब्लॉक्स के लिए स्थानीय सामुदायिक हीरो तैयार करता है और 2.5 वर्ष बाद इन्हें 5 नए ब्लॉक्स में भेजा जाता है। We have adopted the resource block strategy. Under this strategy, we started with initially with 7 blocks. We have developed these blocks as a resource block. Each resource block will subsequently be able to support 6 additional new blocks. We are now in a position where we can scale up to additional 30 blocks. And by the end of 2018, we are hopeful that we'll be able to cover all the blocks in the state. आजीविका गरीब समुदाय के सशक्तिकरण का जरिया बन गई है। गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से समाज की आर्थिक प्रगति भी हो रही है। సంఘంలో చేరక ముందు నేను చాలా పేదరాలని, నేను సంఘంలో చేరిన తర్వాత నెలకు 30 రూపాయలు పొదుపు చేసుకొని నేను ఫస్ట్ తొలి అప్పు 500 తీసుకున్నాను. 500 తీసుకుని నా కుమారుని ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెట్టినాను. హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెట్టినాను. ఆ 500 వాపస్ చేసినాను. తర్వాత నేను 6,000 లోన్ తీసుకొని 6,000తో నేను కిరాణం షాప్ చిన్నగా ఓపెన్ చేసుకున్నాను. 3వ సారి అప్పు తీసుకున్నాను, 60,000 తీసుకున్నాను. దాంట్లో నుంచి నేను 2 కాయిన్ బాక్సులు పెట్టుకున్నాను, 1 ల్యాండ్ ఫోన్ పెట్టుకున్నాను. దాంట్లోనే గాజుల వ్యాపారం చేస్తున్నాను. మిగతాది షాప్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకున్నాను. తర్వాత నా కూతురుకు బీఎస్ నర్సింగ్ సీట్ వచ్చింది. ఫీజు కోసం 1,00,000 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాను.
తర్వాత 150,000 రూపాయలు తీసుకొని నా ఇల్లు పూర్తి చేసుకున్నాను. దీనికి అంతటికీ కారణము మా సంఘంలో పంచసూత్రాలు పాటించినాము, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకున్నాము, విజయాన్ని సాధించినాం. राजेश्वरी जैसी जाने कितनी ही महिलाएं आज आजीविका कार्यक्रम की बदौलत गरीबी से उबर चुकी हैं. समूह द्वारा दी जा रही सहायता से इन्हें 8 से 10 वर्ष तक जरूरत पड़ने पर बार बार कर्ज मिलता रहा. आजीविका का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए इस प्रकार का अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए इन्हें समूह में शामिल करना है. हमारा उद्देश्य सभी समूहों के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अधिकांश परिवारों में आमदनी के एक से अधिक साधन विकसित करना है. महिलाएं प्रत्येक परिवार की धुरी होती हैं, इसलिए परिवार की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने से पूरे परिवार का विकास होता है. इस प्रकार बेबसी और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर खुशहाली की एक नई राह बनी है. आजीविका और गरीब महिलाओं का एक ही सपना है, जीवन में प्रगति के सपने देखना और सम्मानित जीवन जीना.